कॉन्ग्रेचुलेशन गाना आ चुका है। सेंटर लुक, सेंटर लुक, मैम सेंटर लुक। अंजलि सेंटर लुक। इधर सेंटर लुक। इधर ही, इधर ही। आप सब जा कर देखिए, गाना बहुत ही प्यारा है, बहुत स्टेप्स हमने रखे हैं और ये रिक्रिएशन है और मतलब पुराने टाइम का बहुत ही सुपर हिट गाना है विजयंती माला जी का। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इनका रिक्रिएशन करने को मिला। आपका थॉट प्रोसेस क्या था जब आपको पता चला कि रिक्रिएशन गाना हम करते हैं? आज तो ट्रेंडिंग में है रिक्रिएशन सॉन्ग की, आपका थॉट प्रोसेस क्या था इस गाने को लेके? मेरे मैंने जब ये गाना सुना था तो इसका बीट जब हम पुराना सुन रहे थे तो बहुत ही लाइक सो सॉफ्ट है। तो जब मैंने ये गाना सुना फुल्ली बीट हिप हॉप, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, डांस कि इस पे डांस बहुत अच्छा होगा। और इस गाने के अंदर बहुत ही अच्छा हमने डांस पूरा कोरियोग्राफ किया फ्रेंड सर ने। भाई लाइट बोल के चालू कर, एक चीज दिमाग में डांस। अंजलि जी, रिक्रिएशन की बात की जाए तो मतलब ये गाना ऑलरेडी इतना हिट है तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपके लिए कि मतलब कि इसको और हिट ज़्यादा बनाना है? बिल्कुल बिल्कुल, एक लाइक ये पहले से इतना सुपर डुपर हिट सॉन्ग है तो इसके मतलब एक हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि इसको और अच्छे से अच्छे लेवल पे लेकर जाना है। तो मैंने तो अपना 100% दिया है और अब आपका मुझे 100% चाहिए। आप इसको लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को पूरा देखो और अच्छी अच्छी रील्स बनाओ। अंजलि जी, कितनी रील्स आपने अब तक बना चुके हैं? अभी गाना नहीं, मैंने इसके ऊपर अभी कुछ न्यू नहीं बनाया। सो अब हम बनाने वाले हैं, हम सारे सभी इन्फ्लुएंसर्स को सब वीडियोस क्रिएट करेंगे और मेरे पास बहुत ही प्यारे प्यारे BTS हैं। जब हम शूट करेंगे तो मैंने सारे BTS शूट करवाए थे। लॉकअप की मैं बात करूं उसके बाद काफी टाइम बाद लॉकअप के बाद ये मेरा जो मैंने लॉकअप के बाद शूट किया है दैट इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। सो ये पहला ही प्रोजेक्ट मेरा आया है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। काफी वेट करा है आपने फैंस से? क्यों करा है इतना वेट? इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम दैट हम मुनव्वर की बात करें, उनका गाना आ चुका है बट एक्चुअली क्या हुआ था, इस गाने के लिए ना हमें कुछ ओपन लोकेशन चाहिए थी और ओपन लोकेशन के लिए ये मुंबई की बारिश में इतना दिक्कत है कि कभी जब भी हम डेट डिसाइड करते थे बारिश हो जाती थी उससे। तो हमारा गाना डिले 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 होता होता अब जाके रिलीज हुआ है। इट्स ओके, कहते हैं ना कि सबर का फल थोड़ा मीठा होता है। बहुत मीठा। अंजलि जी, स्टार बनने के बाद की जर्नी अगर आपसे जानना चाहेंगे तो मतलब कि लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया आपको, कई लोगों ने आपको काफ़ी जो है मतलब हेट कमेंट्स भी आ रहे हैं और मतलब कि लोगों ने काफ़ी नेगेटिव कमेंट भी दिए हैं। हाल ही में आपका एक मतलब एक MMS भी आया हुआ है तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वी कैन स्किप दिस क्वेश्चन आई थिंक। और इसके अलावा लॉकअप की मैं बात करूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थी। इसके अलावा रियलिटी शोज को किस तरह बिग बॉस आने वाला है उसके बारे में काफ़ी चर्चा है, आप जाने वाले हो इस साल, उसके बारे में क्या कहना? उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम सैया को देखते हैं और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा लॉकअप के बाद पहला प्रोजेक्ट आया है सो आई विश कि ये इतना सुपर डुपर हिट जाए। अंजलि जी, अगर आपका कोई सैया होगा तो उसमें क्या क्वालिटीज आप देखती है? क्या क्वालिटीज मैं देखती हूँ? अभी मैं बहुत छोटी हूँ कितना उसको देखने के लिए अभी मुझे थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा। उनके इसके अलावा हम काफी सारी चर्चा थी कि आपका और मुनव्वर का भी एक एल्बम आने वाला है म्यूजिकल, उसके बारे में कुछ हिंट देना चाहोगी कि भाई आजकल चर्चाएं तो बहुत कुछ चल रही है ना, जो आता है उसी पे बिलीव करना चाहिए। तो आने वाले समय में देखने मिल सकता है हमको लाइक अंजलि जी, हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाती भी, अगर सैया का दो लाइन अगर आपको सुना दो मुझे बताओ जरा। ऐसा कुछ नहीं है जो बोलते हैं बता, चेयर दिया बड़ा भ्रम है सफेद जो, फिर भी आप दो लाइन गा दीजिए। अरे मेरी आवाज बहुत बुरी है यार, प्लीज। अरे अच्छी आवाज है, गा लो। तो फिर आप सब मेरे साथ गाओ। हां आप चालू करो, स्टार्ट करें। ऐसा यार पता तुम लोग क्या करते हो, मैं गाने लग जाती हूं, सब चुप रहके बस रिकॉर्ड करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब साथ में बोलेंगे, सब गाएंगे, गाओ सैया दिल का, तुम्हारा पढ़ ले सैया दिल का, देखा मैं शुरू तो करो आप, पहले आप गा लो सेकंड लाइन से शुरू करो। हां पहले ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ, हम कोरस देंगे आप गाओ, पहले एक लाइन गा लो आप, हम कोरस देंगे, भजन गाएगा सदा म्यूजिक देगा। हमारे गाने की लाइन सैया दिल में आना रे आके फिर ना जाना रे, देखा हो गए ना सब चुप।
आपकी आवाज अच्छी थी इसके सब चुप हो गए। पर ये लाइन अगर आप जब बोलते हो तो किस किसके थॉट क्या थॉट आता आपके दिल दिल पर? वीडियो का कोई तो वीडियो के पहले तेरा मेरा वही थॉट जाता है। इसके अलावा अंजलि जी आप आने वाले समय में किस तरह के प्रोजेक्ट करना पसंद करोगी? काफी सारे एक बड़ी लाइक एक बिग सरप्राइज और दे देती हूं। एक एरी क्रिएशन है, एक मेरा और भी क्रिएशन आने वाला है इसी मंथ में। मुबारक अंजलि जी। अगर सैया की बात करें तो बहुत ही आइकॉनिक गाना है, आपकी क्या मेमोरीज है वो गाने को लेकर? आप कितने साल की थी वो समय आपने गाना सुना, तो अगर उस टाइम की मेमोरीज के बारे में कुछ बात करें। शायद मैं पैदा भी नहीं हुई थी उस टाइम में जब ये गाना आया था, तो अब मैंने सुना ये गाना, पहले से हम सुनते आ रहे हैं, हमारी मम्मियों का बहुत फेवरेट है, मम्मी इस टाइम का गाना है ये। तो मैंने जब मम्मा को बताया कि मम्मा मैं इस गाने का रिक्रिएशन कर रही हूँ, मेरी मम्मा बहुत खुश हो गई। मम्मा कहती कि ये मेरा फेवरेट गाना था मम्मा के टाइम पे, बिकॉज जब मेरी मम्मी मेरी जितनी होंगी शायद तब गाना तब आया होगा। तो विजयंती माला जी तो वैसे ही बहुत बहुत अच्छा डांस करती थी, उन्होंने ये गाना किया था। एंड आपको कोरियोग्राफ किसने किया ये गाने में? काफी अच्छे प्रिंस सर, प्रिंस गुप्ता। हां, तो उनके साथ कुछ बताना चाहोगी किस तरह का एक्सपीरियंस था? वेरी स्वीट, और मतलब वो बहुत प्यार से हर चीज को ना लाइक बताते हैं, कि कभी कभार मैं बीच में ऐसे ना करते करते मैं भूल जाती थी। हमारा ये पूरी जब प्रैक्टिस चल रही थी तो हम पूरा गाना रेडी हो गया था, तो एंड मोमेंट पे वो आते हैं कहते हैं कि यार ये ना थोड़ा ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, मतलब वो उस तरीके से बताते हैं कि सामने वाले को ना बहुत जल्दी समझ आता है। लाइक उनकी बहुत अच्छी लाइक अच्छा वो बॉन्ड बना कर रखते हैं अपने उसके साथ, आर्टिस्ट के साथ। अंजलि जी, इसके अलावा किस तरह आप फोकस करो, टीवी शो पे फोकस करो या फिर मूवीज पे फोकस करो या फिर रियलिटीज में? सी अभी डेली सोप्स का मेरा कोई ख्याल नहीं है, वैसे डेली सोप्स बहुत सारे आ रहे हैं मेरे पास, बट अभी मुझे वेब सीरीज मूवीज और म्यूजिक वीडियोस एंड बहुत अलग अलग चीज़ें मुझे अभी करनी है। लास्टली कोई एक छोटा सा संदेश देना चाहोगे हमारे फैंस को? यस, फैंस को मैं यही बोलना चाहूँगी, अपने अंजलियंस को बोलना चाहूँगी कि जैसे आज तक आपने मुझे प्यार दिया, आई विश कि आप इस गाने को भी उससे ज़्यादा 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 प्यार दोगे, एंड आई लव यू ऑल। और आप सबको भी प्लीज़ आप अच्छे अच्छे से इस पर कॉमेंट्स करना और इस गाने को देखना और रील्स भी बनाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू। तो एक फोटो।